सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर बहराइच पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम तो पिछले 2 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कब उनके साथ बातचीत करेंगे। भाजपा को हराने के लिए हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम वरीयता अखिलेश यादव को दी जाएगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को इंगित करते हुए यह भी कहा कि अगर हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट देंगे तो हम अलायंस भी कर लेंगे और पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने बहराइच पहुंचने के बाद प्रसिद्ध मरी माता मंदिर पूजा अर्चना की। इसके बाद गाजी की दरगाह पर पहुंचकर चद्दर भी चढ़ाए। शिवपाल यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराधियों में कानून का तनिक भी डर नहीं है। दरगाह क्यों आए हैं? क्या हमारा सर्कुलर है, सभी धर्मों को अपनाने का अधिकार, तो हम सभी जगह जाते हैं, मस्जिद भी मंदिर भी सभी जगह जाते। जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं पार्टी में स्वागत आपका है, लेकिन आपकी शर्तें ऐसी हैं जिसको निकल है। क्या कहना चाहते हैं? कुछ मेरी कोई शर्त नहीं। कितने इस बार 2000 मेरा है, जो जीतने वाले हैं हमारे साथ हैं उनको सम्मानजनक। 2022 चुनाव में कितनी सीटें आप प्रदेश में, अगर आप चुनाव नहीं होता है सपा का, तो 2022 में कितनी सीटों पर अपना लड़ेंगे? तो समाजवादी परिवर्तन की यात्रा लेके आए। देखिए, हमारा ये सामाजिक परिवर्तन रथ, हाँ, आधे से ज्यादा तो मैंने घूम ही लिया। आज हम निकले हैं लखनऊ से, बाराबंकी से बहराइच, और अब हम पूर्वांचल में। ये पूरा सामाजिक परिवर्तन रथ हमारा रहेगा, और हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ का उद्देश्य है सत्ता का परिवर्तन। और सत्ता का परिवर्तन इसलिए है, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और ऐसे ऐसे इसने निर्णय लिए हैं, और इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में भुखमरी सी आ गई है। सब रोजगार बंद है, बेरोजगारी है। तो इन्होंने जो भी वादे किए थे 7 साल के अंदर एक भी तो वादा पूरा किया नहीं। जब वादा पूरा नहीं किया है तो ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो भी बातें किए थे सब बातें अधूरे पड़े, पूरा ही नहीं किया, शुरुआत भी नहीं की है, तो फिर ऐसी सरकार नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश और हमने देख भी लिया, पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश घुमाए, बुंदेलखंड घुमाए, अब बचा है पूर्वांचल। तो हमारा पूर्वांचल में दौरा शुरू हो गया है। और जहाँ तक आपने कहा है समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी से 22 के विलय, समाजवादी पार्टी अलग है जी, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अलग है जी। तो हम अपनी पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं जी। और देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है सभी समान विचारधारा वाली पार्टियाँ एक हों और सेकुलर पार्टियाँ एक हों। मैंने देखिए समाजवादी पार्टी से भी कहा है, अखिलेश से भी कहा जी, है जी, अगर हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक टिकट दें, हमारे लोग जो पीछे हैं, तो हम अलायंस कर लेंगे, विलय भी कर लेंगे। आपके साथ कई संगठन होंगे, प्रयास तो यही है, वैसी भी आपके साथ आएंगे। देखिए, अब ये हमारी इस संबंध में बात नहीं हुई है, पहले हम प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी पार्टी से हम पहले बात करना चाहते हैं, फिर अन्य पार्टियों से बात। कितनी सीटों की मांग आप रखेंगे? ये थोड़े तो आपको बता देंगे, अखिलेश से ही बताएंगे ये बात। यानी कि चाचा भतीजे का विलय एकदम यकीनी समझा जाए? यकीनन तय है,
देखिए हम तो चाहते हैं जी जी, अब उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया जी जी जी। एज ए मुख्यमंत्री उनको आप मानेंगे, मुख्यमंत्री के लिए कोई अगर हमारे साथ विलय कर ले, अलायंस कर लेंगे तो मान लेंगे।